नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह जो सारा डेली रूटीन का काम होता है वो कर कर मैं फ्री हो गई हूँ और अब बैठूंगी मैं सिलाई पे। तो कल का वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने पटियाला सलवार की स्टिचिंग का वीडियो बनाया था, और नहीं देखा हो तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ उसी सलवार के ऊपर की कुर्ती, तो उस कुर्ती की सिलाई करूँगी। तो किस तरीके से करूँगी आप देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो चलते हैं सिलाई करने। तो वैसे तो कुर्ती का कपड़ा मैंने पहले ही कट कर दिया था और इसका वीडियो भी बनाया था, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और वैसे तो यह कुर्ती मैं 12-13 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, और इसका वी नेक डिजाइन बनाऊंगी। तो पीछे की साइड में 1 इंच का ही हमें कपड़ा कट करना है, क्योंकि कॉलर लगाएंगे हाफ कॉलर, और आगे की साइड में सेंटर पर निशान लगा देंगे, गला बनाने के बाद में ही कपड़े को कट करेंगे। तो इस तरीके से वी नेक बनानी है। तो वी नेक मैंने किस तरीके से कट की है आपको बताती हूँ। तो पेपर बेस्टिंग ली है मैंने, और इस पर 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, और गले की चौड़ाई ये डबल है तो हमें 5 इंच रखनी है, तो 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और इसी तरह से नीचे की ओर भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है, और फिर सारे निशान को आपस में मिला देना है स्केल की सहायता से, जिससे क्या है कि हमारा गला बिल्कुल आसानी से बनता है और इधर उधर नहीं जाता है। फिर क्या करना होगा, अगर आपके पास कर्व स्केल है तो कर्व स्केल की सहायता से आप नेक बनाओगे तो बहुत ही प्यारा नेक बनकर आएगा। और फिर पीछे की साइड में 1-1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें निशान लगा देना है। तो इस तरीके से देखिए कितना प्यारा गला बनकर तैयार हुआ है। और आप चाहो तो यहाँ पर आगे भी और गोलाई देके डिजाइन बना सकते हो, पर मैं बच्ची के लिए बना रही हूँ तो इसके लिए उसे लंबा हो जाएगा गला, इसलिए नहीं कट कर रही हूँ। और फिर क्या करना है कि पेपर पेस्टिंग को निशान के ऊपर कट करना है, पर ऊपर की साइड में थोड़ा सा पेपर पेस्टिंग छोड़ देना है। देखिए मैंने छोड़ रखा है इस तरीके से, इससे क्या होगा कि जब भी आप इसी कपड़े के ऊपर गला फिक्स करोगे तो आपका गला बिल्कुल भी चौड़ा नहीं होगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, बुकरम से या हम इसी से भी गला बनाते हैं तो ऊपर की साइड में चौड़ा हो जाता है गला, तो इससे एकदम चिपक के रहता है। और फिर क्या करना है कि ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा देना है दोनों साइड में। इससे क्या होगा कि यहाँ तक ही हमें कॉलर लगानी है, इससे नीचे नहीं लगानी है, क्योंकि हम हाफ कॉलर नेक डिजाइन बना रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ निशान लगा दिए हैं। तो अब गला लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है गले को, और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर पाइपिंग लगाएं तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि इस कपड़े पर थोड़ी से हरा कलर का डिजाइन बनी हुई है, तो मैंने सोचा चलो हरे कलर अच्छा लगेगा, इसमें उभर कर आएगा, तो इसलिए मैं हरे कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ। और पाइपिंग लगाते वक्त ध्यान रखिए, जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी है, ऊपर की साइड में नहीं लगानी है, क्योंकि ऊपर की साइड वैसे भी हम कॉलर लगाएंगे तो वहाँ ज़रूरत है ही नहीं है। तो पाइपिंग यहाँ तक लगा दी है मैंने। तो अब करते हैं फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दोनों सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, और इस कपड़े के ऊपर रख कर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में अब पीछे के गले को और जो 3-3 इंच हमें छोड़ा था वहाँ का नाप ले लेंगे कितना इंच आ रहा है। तो मेरे 12 इंच आ रहा है, तो 12 इंच की हम कॉलर तैयार करेंगे, और कॉलर की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 1 इंच ही रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कॉलर भी अच्छी नहीं लगती है ऊंची। तो यहाँ से मैं सीधा ही रखूँगी, राउंड में नहीं बनाऊँगी अब की बार। तो इस तरीके से कॉलर तैयार कर देंगे।
और फिर दूसरा कपड़ा लेकर उसको इसके के ऊपर चिपका कर डबल कपड़ा लगा देंगे। तो देखिए कॉलर मैंने तैयार कर दी है और इसके ऊपर भी मैंने पाइपिंग लगा दी है ग्रीन कलर की। तो कॉलर को इस तरीके से सेंटर में रखकर सिलाई लगा देनी है। तो अभी मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने कॉलर की सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हम इनकी आस्तीन को अटैच करेंगे। तो देखिए आस्तीन मैंने लगा दी है और आस्तीन लगाने के बाद में फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर एक दो वीडियो के क्लिप मेरे से डिलीट हो गए हैं तो वो नहीं बता पाई हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरे पर सिलाई लगा दी है और नीचे भी सिलाई लगा दी है। अब इसकी तुरपाई करनी बाकी है तो मैं तुरपाई करके आपको वापस दिखाऊंगी कैसी बनी। तो देखिए यहाँ पर मैंने तुरपाई कर दी है और इस तरीके से ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है। तो माफ़ करिएगा, आज की वीडियो के क्लिप में एक दो मेरे क्लिप थोड़ी सी डिलीट हो गई थी। तो आज थोड़ा वीडियो में मैंने समझाया तो है आपको, पर थोड़ा सा और अच्छे से नहीं बता पाई। तो अगली बार कोशिश करूँगी कि अच्छे से दिखाऊँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बाय।